आज पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन सूरत शहर में कोरोना जैसी ही एक घातक बीमारी ने दस्तक दी है। अभी देश के समेत सूरत शहर के लोग कोरोना से उभर भी नहीं पाए थे और अब इस नई बीमारी ने शहर के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सूरत में आई ये बीमारी आमतौर पर पश्चिमी देशों में पाई जाती है, लेकिन MISC यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम की इस बीमारी के लक्षण सूरत में रहने वाले 10 साल के बच्चे में पाए गए हैं। 10 साल के अबू बकर अब्दुल कादिर शेख की तबीयत खराब होने पर शहर के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। अबू बकर को बुखार, उल्टी, खांसी, दस्त के अलावा आंखें और होंठ लाल रंग के हो गए थे। जांच के बाद इस बीमारी के लक्षण पाए जाने पर डॉक्टर भी हैरान हुए, क्योंकि ये बीमारी अब तक पश्चिमी देशों के बच्चों में ही पाई जाती थी। बच्चों में ही पाई जाने वाली बीमारी है और ताज़ा 20 साल के कम के उम्र के बच्चों में ये रोग, ये जो बीमारी है वो दिखी है पिछले 4 महीनों से। ये बीमारी है उसका कोरोना वाली बीमारी से जो अभी चल रही है उनके साथ पूरा रिलेशन है, क्योंकि ये दुनिया में 4 महीने से पहले कभी नहीं दिखी है। अपना जो बच्चा है जिसको हमने ट्रीट किया है, अबू बकर जो 10 साल का बच्चा है, उसमें ये बीमारी के लक्षण दिखे हमको पहली बार 15 तारीख को। वो बच्चा हमारे पास आया तब उसको बुखार, जुलाब और खास करके उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी, उसके होठ एकदम लाल हो गए थे और चमड़ी लाल हो गई थी और उसकी धड़कनें काफ़ी तेज थी। तो हमने उसको सारवार के लिए हमारे अस्पताल में भर्ती किया और इसके लक्षण किन रोग से मिलते हैं उनके बारे में पूरा स्टडी किया। 4 महीने पहले जब अमेरिका में था, वहाँ मेरे काफ़ी डॉक्टरों से कांटेक्ट थे, तो उन्होंने मेरे को लिटरेचर भेजा कि ये बीमारी यहाँ पे दिखने में आई है और सभी लक्षण उनसे मिलजुल रहे थे। तो हमने रिश्तेदारों से बात की और इस बीमारी के बारे में डिटेल में जाना और उसका इलाज किया। MISC बीमारी के चलते हार्ट की पंपिंग 30% तक घट जाती है, जिससे हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आपको बता दें कि बच्चों के लिए ये बीमारी कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। कि अगर इसको डिटेक्ट नहीं किया जाए तो क्या हो सकता है, तो उसकी काफ़ी हार्ट पे असर पड़ सकती है। एक तो हार्ट को जो नली पहुंचाती है खून, उसको हम कोरोनरी हार्ट आर्टरी बोलते हैं। वो कोरोनरी आर्टरी फूल जाना, इसकी वजह से आगे चल के हृदय का पंपिंग कम हो जाना और हृदय को काफ़ी नुकसान होना, ऐसी तकलीफें आने के पूरे पूरे चांसेस हो। और अभी अगर उसका ट्रीटमेंट लेट किया तो हृदय का पंपिंग एकदम कम हो जाना, जैसे अपने अबू बकर में 30% ही था जब हमने उसका इकोकार्डियोग्राफी किया। तो अगर वो टाइम पे हम इसको इंजेक्शन नहीं देते तो शायद वो 30% का 10% और शायद हार्ट का बंद पड़ना भी इसमें देखने को मिला है। MISC का नाम सुनकर जब डॉक्टर हैरान थे, तो आप अंदाजा लगाइए कि अबू बकर के माता पिता और परिवार वालों के लिए ये खबर कितनी परेशान कर देने वाली होगी। बहुत डर गए थे, ताकि बच्चे की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि हमको समझ में नहीं आ रहा था। फिर आशीष सर से सलाह ली और भाई लैब में काम करता है उससे सलाह ली। उसके बाद हम लोगों ने, आशीष सर ने बताया कि उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराई जाए तो पता चलेगा बीमारी क्या है क्या नहीं है। उसके बाद ट्रीटमेंट चालू किया और इसके बाद ये अच्छा हुआ तो हमको ज़रा सुकून लगा और अच्छा लगा कि ये काफ़ी बेहतर होने लगा। कोरोना वायरस की जंग तो अभी बहुत लंबी चलने वाली है, लेकिन MISC जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने के लिए पहले से तैयार रहिएगा। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, कर्तव्य है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। सूरत से संजय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट, गुजरात तक।